रोका। दबंग ने दी जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, ट्रांसफार्मर सहित खंभा नीचे की तरफ झुक गया। पति ने पत्नी की प्रेमी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया आरोपी पति को गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सड़क किनारे खड़ी वृद्ध महिला को भारी टक्कर लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अमेठी में जगदीशपुर के निहालगढ़ कस्बा दबंग लाठी डंडे से लैस होकर अपने सहयोगियों के साथ पीड़ित का घर घेरकर अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। जहाँ पीड़ित ने अपने जान माल की हिफाजत के लिए पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया है, वही पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। वो जमीन किसकी है? जमीन सर हम लोगों की है जी, तो उस पर सर जानकारी हुई हमको, तो उसका बैनामा हमने किसी दूसरे के हाथ कर दिया। उसी बात को लेकर अमित सोनी सुबह 6:30 बजे हमारे घर गए और वहाँ पे उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और मतलब बताया कि तुमको मार्केट में धंधा करने लायक नहीं छोड़ेंगे, यही सब धमकी दिया। और सर हमको डर उनसे है, जान से जान का खतरा है, उसी बात को लेकर हम थाने पर एप्लीकेशन दिया, हमारी सुन ली गई है सर। ये है हमारी समस्या सर, अगर हमारे परिवार पे कोई। गाजियाबाद थाना लिंक रोड कौशाम्बी बस अड्डा के गेट नंबर 1 के चंद कदमों की दूरी पर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खंभे पर लगे ट्रांसफार्मर सहित खंभा पूरी तरह से नीचे की तरफ झुक गया है। जानकारी के मुताबिक कई हजार लोग रोजाना इस रूट पर सफर करते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां पत्नी ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी की पीड़ा देखकर पिता ने पत्नी की प्रेमी की न ही सिर्फ हत्या की बल्कि उसके शव को आधा दर्जन से ज्यादा टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। बता दें पुलिस ने शव को टुकड़ों की तलाश में जुट गई है। की सूचना मिली, तत्काल मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लिया गया और उसकी शिनाख्त अक्षय निवासी कोटपुती राजस्थान के रूप में की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीमों का गठन किया गया एवं उसमें मेन अभियुक्त मीलाल प्रजापति निवासी कोड़ा की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गई है। अभियुक्त से पूछताछ में उसने बताया कि अपनी पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंधों को लेकर शक के चलते उसकी मृतक की हत्या कर दी गई है, उसके द्वारा मृतक की हत्या कर दी गई और अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की माने तो पुलिस ने बताया है कि जो अपराधी है, अपराधी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और थाने में समय पर उससे पूछताछ जारी है। गाजियाबाद से प्राइम टीवी के लिए प्रवीण मिश्रा। खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवीण, पति ने पत्नी की प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया है, इसको लेकर और क्या कुछ अभी तक जानकारी अधिक सामने आ रही है? देखिए नंदनी, आपको बता दूं गाजियाबाद की उस समय की चौंका देने वाली घटना सामने आई। लगभग दोपहर के समय पर पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति है जिसने एक प्रेमी की जो है पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी है और हत्या के अनेकों टुकड़े करके उसको एक तालाब जो था वहां पर, जो खोड़ा कॉलोनी थाना पड़ता है वहां पर एक तालाब में फेंक देता है और कई बोरों में, हालांकि लगभग जो जो हत्यारोपी है उसने कई बोरों में उसको बंद करके उसके जो टुकड़े थे उसको वहां पर फेंक दिया। उसके बाद वो
कैसे पुलिस को सूचना मिलती है, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसकी शिनाख्त करती है और जो आरोपी है आरोपी के कहे मुताबिक उस जगह पर पहुंचते हैं घटनास्थल पर जहां पर जो जो टुकड़े फेंके गए थे। हालांकि रात देर रात तक पुलिस उसका जो जो मृतक था उसका सर ढूंढने में लगी हुई थी। हालांकि जेसीबी मशीन बुलाई गई, उसके बाद जेसीबी मशीन से वहां पर खुदाई की गई क्योंकि जो हत्या करने वाला था आरोपी था उसने लगभग जो जगह बताई थी जहां पर जो शव को फेंका गया था उसी शव की शिनाख्त करने के लिए पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और लगभग जितने टुकड़े बटोर सकती थी उतने वहां से बटोर के ले जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जो मृतक था उसका भी सर नहीं मिल रहा था, उसको लेकर काफी पुलिस परेशान थी। काफी जगह उन्होंने वहां पर ढूंढा उसको लेकिन नहीं मिला। उसके बाद जेसीबी मशीन बुलाई गई, उससे जब खुदाई की गई उसके बाद लगभग 8 बजे के तकरीबन जो शरीर का जो ऊपर का हिस्सा होता है यानी कि सर, उस सर को बरामद करती है और मौके से फिर उसको वहां पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। हालांकि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है कहीं ना कहीं पूरे गाजियाबाद में सबसे बड़ी घटना थी और सबके वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे सब उस समय पर आश्चर्यचकित थे। हालांकि जिस तरह से जो हत्या की गई है क्योंकि एक बार नहीं कई बार किए गए, अगर वहां पर बात करें जो चश्मदीद है और जिस तरह से आरोपी ने अपनी पूरी घटना जिस तरह से की है पुलिस को बयां की है तो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना थी। हालांकि जो बच्चियां थी छोटी बच्चियां वहां पर सो रही थी रात के समय पर और जब ये वहां पर वार कर रहा था हत्यारा कहीं ना कहीं लगभग कई वार उसने किए, उसके बाद पहले जो वार किया उसने सर से शुरुआत की, उसके बाद जो बच्चियां वहां पर उस दृश्य को देख रही थी वो सहम गई, उसके बाद वो कंबल ओढ़कर वहीं पर सो गई। हालांकि बच्ची जो थी एक बच्ची जीटीबी अस्पताल में चाय गिरने की वजह से वहां एडमिट थी लेकिन जो ये मृतक है मृतक का जो बताया जा रहा है राजस्थान का निवासी है कोटपुतली का और यहाँ पर ये अपनी प्रेमिका यानी कि जो पति का पत्नी उसकी थी उससे मिलने आया करता था। हालांकि कई बार यहाँ मिल चुका था उससे लेकिन उस जो पति है पति को शंका हो गई थी कि इसका कोई अवैध संबंध चल रहा है, उसके बाद पति ने ही अपनी पत्नी को फोन करने के लिए कहा और ये फिर यहाँ पर जो जिसको हत्या की गई है अक्षय की इसको बुलाया गया। बुलाने के बाद इसको शराब पिलाई गई और शराब पिलाने के बाद रात के समय जब इसने मौका देखा आरोपी ने उसके बाद उस पर कई वार कर दिए और उसको मौत के घाट उतार दिया। जी नंदिनी, पत्नी का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बयान सामने आया है उनका? देखिए पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, पति को तुरंत तत्काल उन्होंने हिरासत में ले पूछताछ जारी कर चल रही थी। हालांकि पत्नी जो है वो लगातार यही बोल रही है कि मेरा इससे संबंध था। हालांकि जो पति है पति का पहली ये दूसरी बीबी है, पहली बीबी थी इसकी उससे एक बच्चा था, उसके बाद जो ये दूसरी बीबी थी जिसका प्रेम प्रसंग चल रहा था किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अक्षय के साथ, तो पत्नी बहुत सहमी हुई डरी हुई थी क्योंकि जिस तरह से उसने दृश्य देखा था। हालांकि कमरे में एक कमरा छोटा कमरा था उसी के अंदर उसने लगातार कई वार किए अक्षय के ऊपर, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। घटना स्थल पर मौके पर पहुंचा मैं भी लेकिन वहां पर जिस तरह से जो जेसीबी से खुदाई चल रही थी उसके बाद जब सर बरामद हुआ अब पूरी बॉडी जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि जो इसमें अन्य चीजें निकल कर आएंगी, हालांकि अभी जो सूत्रों की माने सूत्रों के अनुसार जो वहां के पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर वो शराब पिए हुए था, हालांकि ये शराब दोनों पीते हैं और जो आरोपी है वो रिक्शा चलाया करता था और जिस तरह से उसने बॉडियों को वहां से बटोर कर और कई बोरियों में भरकर उस तालाब में फेंका उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आनंद फानंद में पुलिस के हाथ पैर फूल गए, पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद कई टीमें गठित कर दी हैं लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का एक इसमें ऐसा रवैया भी सामने देखने को मिला है, पुलिस बाइक देने से बचती रही। हालांकि अपने आप फिर बाइक डीसीपी जो यहाँ की ट्रांसजेंडर डीसीपी दीक्षा शर्मा है उन्होंने अपने आप एक बाइक जारी करी और उसमें भी बाइक में ये नहीं बताया गया कि आखिर जो सर है वो अभी तक नहीं मिला है। रात देर रात तक 8 बजे तकरीबन उसका सर मिलता है, उसके बाद पूरे जो बॉडी के जो अंग थे उनको बटोर कर ले जाया जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। जी नंदिनी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। खबर गाजीपुर से है जहां चर्चित उसरी पट्टी कांड मामले में हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर पर सांसद अफजाल अंसारी ने बयान दिया है और हाईकोर्ट से केस ट्रायल पर स्टे को लेकर अफजाल ने बयान देते हुए कहा कि अपने पक्ष में ऑर्डर कराने में वो लोग सफल हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस में ट्रायल होंगे लेकिन ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह के खिलाफ केस में ट्रायल नहीं होगा और साथ ही उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का हुक्म है, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी में खतरे की क्या बात है। गौरतलब है कि उसरी चट्टी कांड मामले में त्रिभुवन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाई है। याचिका में केस ट्रायल गाजीपुर के बजाय दूसरे जिले में कराने की मांग की गई है। मामला उसरी चट्टी कांड का विचाराधीन था यहाँ लोकल कोर्ट में, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने 19 तारीख को एक डिसीजन दिया है कि अगले आदेश तक
उसकी सुनवाई को रोक दिया जाएगा लोअर कोर्ट में। और साथ ही साथ उसमें ये अप्रिहेंशन दिखाया गया है याचिकाकर्ता की तरफ से कि आप और आपकी फैमिली पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से इसकी पूरी प्रोसीडिंग जो है वो प्रभावित हो सकती है। क्या रिएक्शन है? देखिए, ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, इनकी एक गैंग है और इस गैंग में हरदोई में बिलग्राम कटरा बेलहौर मार्ग रोशनपुर गांव के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में अनियंत्रित होकर बाइक जा घुसी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हर्षराज हमारे साथ जुड़ेंगे। देखा जाए, हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें दो युवकों की मौत हो गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? कोई बता दे, कन्नौज बिल्लौर हाईवे का मामला है, जहां पे एक ट्रक खड़े ट्रक में बाइक घुसने से दो युवकों की मौत हो जाती है। बिलक बाग इलाके में कटरा बिल्लौर हाईवे पर एक बाइक सवार के किनारे खड़े हुए ट्रक में जा घुसी। देर शाम हुए हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है। इसका पता होते ही वहां पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेते हुए पंचनामा भर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे में उस पर सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसमें 30 वर्षीय सूरज गुप्ता पुत्र राधे श्याम गुप्ता निवासी बघौली, जो कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम करता था, दूसरा युवक सूरज का वर्कर 28 वर्षीय आकाश, बताया गया कि सूरज अपने घर का इकलौता बेटा था। उसकी दो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। वहां पुलिस ने जो छानबीन की उसके नंबर से पता चला कि बाइक सवार जो है दोनों खत्म हो जाते हैं। इस बात की तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। लखनऊ में सपा नेता और छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र पुरी की आज तिथि है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और भाव विभोर श्रद्धांजलि देंगे। रायबरेली में मेल एरिया थाना क्षेत्र में के अमावा में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार और वृद्ध महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रायबरेली में प्रदेश कृषि विभाग के सचिव श्री अनुराग यादव ने जिलाधिकारी के साथ रतापुर चौराहे के निकट बनाए गए सेल्फी पॉइंट और बछरावा की ग्राम नीम टीकर में बनाए गए अमृत सरोवर तालाब का निरीक्षण किया। बता दें, जिलाधिकारी ने कृषि सचिव को अवगत कराया कि अमृत सरोवर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थिति की परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण सुधार लाने वाली योजना है। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवर ग्रामीणों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती पूजा यादव, अपर जिला और प्रशासन अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। लखनऊ के हजरतगंज के प्रेमी युगल स्कूटी पर बैठे प्यार करने का वीडियो वायरल होने के बाद रायबरेली का भी एक वीडियो वायरल हो गया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित और ब्रिज के नीचे का है, जहां एक युवक का युवती के साथ किस करने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है।
बरेली से है, बिल्कुल हजरतगंज की तरह जिस तरीके से युवक और युवती का वीडियो वायरल हुआ था, उसी तरीके से खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां युवक और युवती की वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दोनों किस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर रायबरेली की पुलिस वहां पर उनकी तलाश कर रही है। लखनऊ में सपा नेता और छोटे लोहिया के नाम से विख्यात जनेश्वर मिश्र की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और भाव विभव श्रद्धांजलि देंगे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।